Assalamualaikum, my name is Dr. Fiza Naqvi and I am working as a general dentist here in Dr. Juzur's Medical and Dental Health Complex. Today the topic that we are going to discuss is teeth whitening. Teeth whitening, which आम जबान में टीथ ब्लीचिंग भी कहते हैं, ये बहुत कॉमन है अमंग यंगस्टर्स दीज डेज, बहुत इन है इन द फैशन. वाई? बिकॉज जितने हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, द एक्टर्स हु हैज़ टू कम ऑन द टीवी स्क्रीन्स, एक तो वो लोग इसको बहुत करवाते हैं, और दूसरा इसके अलावा भी इट्स अ न्यू प्रोसीजर, सो इट्स रियली हिट दीज डेज. क्या होती क्या है टीथ वाइटनिंग या टीथ ब्लीचिंग? सो बेसिकली एक ये प्रोसीजर है जिसमें आपके जो नॉर्मल दांतों का कलर है उसको लाइट किया जाता है, फॉर लाइक वन और टू शेड्स लाइटर किया जाता है. एंड किस तरह करते हैं, उसके नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लेज़र टीथ वाइटनिंग भी होती है, किट्स के थ्रू भी टीथ वाइटनिंग होती है. सो आजकल मार्केट में दो तरह की वाइटनिंग किट्स अवेलेबल है, एक वो होती है जिसको आप चेयर साइड वाइटनिंग कहते हैं, एक होती है जिसको आप होम वाइटनिंग कहते हैं. चेयर साइड वाइटनिंग इज़ द वन जो हम करते हैं इन द डेंटल क्लिनिक व्हेन यू आर गोइंग टू अ डेंटिस्ट एंड ही विल डू दैट और शी विल डू दैट, इट्स चेयर साइड वाइटनिंग. नाउ चेयर साइड वाइटनिंग इज़ मोर प्रेफरेबल और ज़्यादा कन्वीनियंट है. उसकी वजह ये होती है कि वी बीइंग द डेंटिस्ट और द डॉक्टर्स ऑफ द टूथ, वी नो कि किस पेशेंट पे कितनी किट अप्लाई करनी चाहिए और कितना लेवल ऑफ शेड्स हमें रिड्यूस करना है जिसमें उसको सेंसिटिविटी नहीं होगी और उसके दांतों का इनेमल जो है वो ख़राब नहीं होगा. ठीक है, इनेमल इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द टीथ, तो वो ख़राब ना हो. उसके लिए इट्स बेटर दैट द पेशेंट कम्स टू अस एंड वी ऑल्सो नो कि हमें कितनी सिटिंग्स में उसको लेके जाना है, इधर वन सिटिंग, टू सिटिंग, कितनी सिटिंग्स विल बी कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट व्हेन इट कम्स टू द टीथ वाइटनिंग. और जो होम वाइटनिंग होती है उसके भी काफ़ी किट्स अवेलेबल होती हैं. वो पेशेंट का रिजल्ट इतना डिजायरेबल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू द चेयर साइड वाइटनिंग दैट वी डू एट द क्लिनिक. ओके, सो नेक्स्ट कम सम ऑफ द मिथ्स, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की अबाउट द टीथ वाइटनिंग, जिसमें सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है कि वाइटनिंग जो है वो फॉर एवर है, इट्स लाइक फॉर एवर लॉन्ग लास्टिंग. नो, इट डजेंट वर्क लाइक दैट. वाइटनिंग हार्डली एक साल से डेढ़ साल रहती है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू इट अगैन, ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट. सो ये एक से डेढ़ साल तक रहती है. अच्छा, दूसरा ये है लोगों की मिथ इसमें कि वाइटनिंग आप क्राउन्स पे और विनियर्स पे और फिलिंग्स पे भी कर सकते हैं. नो, वाइटनिंग आपके क्राउन्स, फिलिंग्स और विनियर्स के शेड्स को लाइट नहीं करेगी. अगर ऑलरेडी किसी के लेट्स से फिलिंग हुई भी है या विनियर्स लगाए हुए हैं किसी ने, ऑलरेडी क्राउन्स लगे हुए हैं, ब्रिज लगे हुए हैं, कोई भी प्रोस्थीसिस लगी हुई है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ लगी हुई है, उसको वाइटनिंग लाइट नहीं करेगी. वाइटनिंग विल ओनली अफेक्ट ऑन द नेचुरल टीथ दैट वी हैव. And there is another myth that we have that whitening will makes your teeth extremely sensitive. यानी बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लगेगा after whitening. ऐसा नहीं है. That is why we recommend कि आप चेयर साइड whitening पर आएँ, क्योंकि हमें पता है कि हमने कितनी किट अप्लाई करनी है, किस लेवल पर अप्लाई करनी है, एंड वी ऑल्सो गाइड द पेशेंट कि कितना लाइटर शेड आपके फेस पे सूट करेगा. बिकॉज वी बींग एशियंस, हमारा फेस का कलर व्हीटिश होता है, ब्राउनिश होता है, तो बहुत ज़्यादा चिट्टे गोरे वाइट दांत हम पे सूट नहीं करते. तो डिपेंड्स कि आपका फेस कलर क्या है, आपका फेस की लुक क्या है, सो वी नो कि कितना लाइटर हमें जाना है. ऑल्सो सेंसिटिविटी कम्स वेन द लेयर ऑफ द इनेमल इज यू नो वो इरोड जब होती है, तो वो भी हमें पता है कि कितनी लेयर वी हैव टू इरोड. सो फॉर दैट इट्स रियली रिकमेंडेड गो फॉर द चेयर साइड वाइटनिंग. ओके, सो वी हैव अनदर मिथ दैट वाइटनिंग विल गिव्स यू अ हॉलीवुड स्माइल. ऐसा नहीं है, वाइटनिंग विल नॉट गिव यू अ हॉलीवुड स्माइल, बट ऑफकोर्स ये आपकी स्माइल को बहुत बेटर कर देती है. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, इज बूस्ट योर लेवल्स, यू नो बक यूर अप विद योर कॉन्फिडेंस लेवल. वो तो नो डाउट आपको मिलता है. ऑफकोर्स वेन यू स्माइल बेटर योर कॉन्फिडेंस इज यू नो वो खुद ब खुद बढ़ता है. बट हॉलीवुड स्माइल जिसको हम कहते हैं वो इससे अचीव नहीं होती. फॉर हॉलीवुड स्माइल्स देर आर नंबर ऑफ अदर प्रोसीजर्स जिनमें स्माइल मेक ओवर्स आ जाते हैं. उन प्रोसीजर्स को कलेक्टिवली स्माइल मेक ओवर कहा जाता है. दैट कैन नॉट बी अचीव थ्रू वाइटनिंग. वी हैव अनदर मिथ दैट इफ यू यूज द एसिडिक फ्रूट्स, जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन हो गया, कीनू हो गया, ये जितने सिट्रस फ्रूट होते हैं, पीपल हैव दिस कॉन्सेप्ट कि भाई सिट्रस फ्रूट्स आप यूज़ करेंगे, द मोर यू यूज़ इट उतने आपके दांत वाइट हो जाएंगे. तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता.
इनफैक्ट इससे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसी तरह घर पे आपने देखा होगा इंटरनेट पे आजकल बड़ा कुछ वायरल हुआ है, यूज़ द चारकोल किट्स एंड यूज़ दिस मीठा सोडा वाली जो किट्स होती हैं एट होम एंड इट विल गिव्स यू द वाइटनिंग इफेक्ट। नो डाउट वो थोड़ा बहुत आपको वाइटनिंग दे देता है, वाई बिकॉज वो आपकी नेमल सर्फेस को इरोड कर देता है एंड देन द पेशेंट कम्स विद द कम्प्लेन ऑफ सेंसिटिविटी एंड यू नो ठंडा गर्म लग रहा है, मीठा नहीं खाया जा रहा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं खाए जा रहे या पिए जा रहे। सो दिस इज़ द रीज़न दैट वाई यू हैव टू कंसल्ट टू योर डॉक्टर बिफोर बाइंग दीज प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल ऑन द नेट दीज डेज। वन मोर थिंग दैट अगर आप ये होम रेमिडीज टोटका जिसको बोलते हैं, नो डाउट कुछ टोटके ऑफ कोर्स इफेक्टिव भी होते हैं, लेकिन ये जो चारकोल वाला इट्स वेरी वायरल दीज डेज एंड द यूज़ ऑफ मीठा सोडा इज़ वेरी वायरल दीज डेज। इससे जो आपका इनेमल इरोड हो रहा है, रिमेंबर दैट वो इरोडेड इनेमल कभी रीग्रो नहीं होगा। सो उसके लिए आपको फिर नंबर ऑफ अदर ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, एन अदर मिसकॉन्सेप्शन दैट वी हैव के वाइटनिंग इज स्केलिंग। So there is a huge difference between scaling and whitening. Scaling may we use a scaler, a simple scaler. It's an instrument that we use, a simple scaler use karte hain. That is electronic scaler. We use that. Aur scaler se aapka jo tartar aur calculus deposits hote hain, also the extrinsic stains, we remove that through the scaler. एंड बिफोर वाइटनिंग हम पेशेंट की स्केलिंग भी करते हैं। इट्स रिकमेंडेड कि पहले आप स्केलिंग करेंगे एंड देन यू गो फॉर द वाइटनिंग। स्केलिंग विल नॉट लाइटन योर शेड्स, स्केलिंग विल नॉट गिव यू यू नो लाइटर शेड या अच्छे प्यारे दांत स्केलिंग से नहीं होते। स्केलिंग हाँ आपके स्टेन्स को ऑफकोर्स रिमूव करता है, तो इससे थोड़ा सा एक फील आता है कि आपके दांत क्लीन हो गए। क्लीनिंग एंड लाइटर टूथ हैज़ डिफरेंस। So lighter tooth is for the whitening, and if you want to remove the tartar and the calculus and the food which is deposited in your teeth, and if you have gum issues, masoodon ke koi masail hai ya bleeding gums hai ya daanton mein se smell aa rahi hai ya is kisam ke jo issues hote hain, that we solve through scaling. But before whitening we always do the scaling. Agar chair side whitening koi karwa raha hai to uske liye scaling must hai. So this is another thing that when the patient buy that home whitening kit and they say iske bhai it's not effective, so because you have not gone for the scaling first, you have to remove the tartar first, tabhi to aapko ek clean aur ek nice natural effect milega. So this is all about for today. We discussed the whitening. If you like the video, give us a thumbs up, like, share and comment, and do give tell us in the comments that if you want to watch more topics related to dentistry, you're more than welcome.